55 इयर्स एज। ओह माय गॉड, थैंक यू। और बहुत मेरी माँ आज इतनी खुश है, मैं कल बात कराऊंगा, बहुत खुश है आज। वो बोली कि बेटा तूने जीवन का ये बहुत बढ़िया काम किया है कि कर रहा है। ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने हाँ बोला है। बिल्कुल नहीं, एकदम आप मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। नहीं, और आई थिंक जिस दिन पहली बार हमारी लाइफ की बातें हुई थी और मैंने इनका पेज और इनके सब चेक किया, तो आई थिंक तब से मैं सिर्फ इनके पेज को और इनके यूट्यूब वीडियोस को ही देख रही हूँ। सो आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि आज आपके साथ ये लाइव सेशन हो रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, बस मैं तो गुजरात में ज्यादा बोलता हूँ, गुजराती में, पर आज मेरे बहुत जी फॉलोअर्स भी हैं, तो आपसे कुछ ऐसे सवाल आते जो मुझे भी हो रहे, तो मैंने सोचा आपसे इसके सवाल पूछूं, क्योंकि आपने जो जी 9 साल एज में आप इस लेवल पर की स्थिर स्रोत और सब, और मेरी माँ तो हमेशा कहती कि वो जो आप वो गाती हैं, तो वो मेरी माँ तो रो रो देती है कि अरे तू आज हमें ये जी करने हैं, ताकि यूथ को पता चले। आप ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव है, और मैंने बहुत सारा आपके बारे में बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, पर आज इसके बारे में बात नहीं करूंगा। पर एक पहला सवाल मुझे ये होता है कि आप स्पिरिचुअल बातें करती हैं, लाखों लोग आपको सुनने आते हैं, आप एप्पल की वॉच पहनते हैं, एप्पल के आईफोन पहनते हैं, तो क्या लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि भाई ये तो ये शास्त्रों में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, जो एक टिपिकल हमारी जो सिस्टम है। मैं बहुत जी खुश, एग्जैक्टली दोनों हाथ से सैल्यूट करते, पर आपको कभी लोग पूछते नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करते कि आप ऐसे कैसे रहते हो, व्यासपीठ पर जाते हो, ऐसे बोलते हो, तो हाँ कभी जी, आपको? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। पर मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने काम के थ्रू या अपनी कथाओं में ये नहीं कहा है कि मैं कोई साधु या संत हूँ जिसने दुनिया छोड़ दी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ दिया है, और मैं अपने घर पे नहीं रहती, या मैं पैसों से और सुख सुविधाओं से दूर हूँ। अगर मैं ये कहकर और फिर उसके बाद एप्पल वॉच पहन रही हूँ या घर में रह रही हूँ या कोई भी ऐसी चीज, तो आई थिंक वो धोखा होता है। जी पर जी अगर बिल्कुल मैंने आपको साफ साफ यही कहा है कि मेरा खुद का एक घर है, आगे जाके ऐसे तो यही फैमिली पर दूसरी एक फैमिली भी होगी, बच्चे होंगे, तो उसके लिए तो काम सबको करना है, तो आई डोंट थिंक ये एक गलत सोच है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे पता नहीं क्यों इतने गलत वे में ले गए हैं कि पैसा कमाना माने गलत ही होता है, और पैसे से रिलेटेड कुछ भी किया तो वो गंदा ही है। जी तो ये जी सोच गलत है, क्योंकि आप सांसारिक जीवन में रहकर और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर भी भगवान को बहुत अच्छे से मना सकते हैं, और ऑनेस्टी के साथ कि मैं जो कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन मैं कोई धोखा नहीं दे रही आपको, और ना ही जी मैं किसी को फोर्स करती हूँ कि मैं तो यहाँ एप्पल वॉच पहन रही हूँ और मैं किसी और को बोल रही हूँ कि आप सब त्याग दीजिए और आप काम छोड़ दीजिए। मैं तो ये भी नहीं कहती किसी से, काम करिए, पैसे भी आज बहुत जरूरी है, सक्सेसफुल होना जरूरी है, लेकिन इसके बीच भगवान को छोड़ना नहीं है, जी क्योंकि वो ही आपको आई थिंक सक्सेसफुल बनाते हैं। आपकी भगवान की डेफिनेशन क्या है? मैं देखिए, मैं तो मेरे लिए भगवान की डेफिनेशन कृष्ण है, श्याम बाबा है मेरे, लेकिन आप जिसको मान ले, क्योंकि जी वो जी एक है, वो दुनिया है, वो संसार है, परम ब्रह्म है, रूप भी है, नहीं भी, कहते ना कि निराकार है, ब्रह्म है, निराकार हर कितना नाम दे सकते हैं आप, तो आप जो माने वो आपके लिए भगवान है। लेकिन बस यही है कि वो आपको कहते हैं सत्य बोलो, जैसे श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण जब वेदव्यास जी ने किया तो उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, ना कृष्णम परम, ना राम परम, ना महेश परम, नहीं, सत्यम। तो जो सत्य है वो भगवान है, अब वो आप उसको कुछ भी मानिए, कई लोग माँ बाप मानते हैं, बहुत बढ़िया बात, कई कृष्ण मानते हैं, पर क्योंकि मैंने बचपन से कृष्ण को, और मैं खाटू श्याम जी बहुत जाती हूँ, मेरी एक बहुत आस्था है जी वहां पर, तो मेरे लिए वो भगवान है, वो सब देवी देवता मेरे भगवान है।